अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खराब से होंगे। अच्छा, जितने भी लोग हैं मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने भी लोग शुरू किया लेकिन तबियत खराब है क्योंकि पंजाब से कराची में वेदर दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे ठंड थी, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके का है। तो जुकाम हो गया था, फिर मैंने टेस्ट खा ली। अब इसका नतीजा ये हुआ कि सारी जगह ये जाम हो गई है, जैसे बलगम वगैरह से ये खा लिया, ऐसे ये जगह जैसे पकड़ी गई है। अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ और इसके साथ ना ट्रीटमेंट करूँ ताकि ये ठीक हो जाए। खैर, अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक को बनवाने। भाई जैसे आया हूँ तो बाइक पंचर थी, अपने पंचर लगाए थे, किसी ने नहीं लगाया मतलब। तो आज से मुझे बाइक पंचर भी करनी पड़ेगी, भिजवानी भी पड़ेगी। तो गाइस, ये रही हमारी बाइक। अब इसकी ये हालत है, अब मैं जाऊँगा इसको वॉश करवाऊँगा और सबसे पहले तो इसका पंचर लगवाऊँगा, बाद में देखते हैं कि क्या क्या करना है हमें। तो यार पंचर लगवाने आए थे यहाँ से, अभी गाड़ी को पंचर लगवा लिया, पूरी ट्यूब ही नहीं डली है क्योंकि तीन चार पंचर लगे हुए थे इसके अंदर। तो यार बाइक मैंने वॉश करा ली थी और अभी मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हाँ, गाड़ी देखने के लिए जा रहे हैं यार। हम लोग जा रहे हैं भाई कहाँ पर, जगह कौन सी? वो है गुरु मंदिर। गुरु मंदिर की साइड पर है शो, ये मतलब कार की मतलब सेंटर वगैरह। तारिक रोड भी है, तारिक रोड भी उधर भी है। तो दोनों जगहों पे जाते हैं, जहाँ पर हमें पसंद आएगी ना, फिर देखते हैं अगर कौन सी पसंद आती है, क्योंकि पहले ढूंढना पड़ेगा, जो सस्ती वाली होगी हम वही लेंगे। चले फिर, चलो फिर। गाड़ी देखने आए थे अभी जना, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ। अबू को ये वाली गाड़ी पसंद है, स्विफ्ट वाली, लेकिन बोल रहे हैं कि कलर अच्छा नहीं है, गोल्डन नहीं, मुझे वाइट चाहिए। बोलते हैं वाइट कलर अच्छा होता है, गोल्डन कलर दिखता नहीं है। फिर खैर अंदर चल के देखें इसको, हटा पर अंदर से भी गाइस कुछ ज़बरदस्त लग रही है मुझे, तो अच्छी है। वैसे है भी खुली बड़ी गाड़ी जैसे लग रही है ना, वैसे ही लग रही है। चल भाई, लेकिन इसके पैसे भी ज़्यादा होंगे ना, ये स्विफ्ट महंगी होती है, तो महंगी गाड़ी जो ना लेनी नहीं चाहिए, सस्ती लेनी चाहिए, अल्टो वगैरह। खैर देखने में क्या जाता है। अच्छा मैं इधर जो ना दे बैठ के हूँ देखने के लिए कि भाई इसके अंदर है क्या क्या। गाड़ी हमारी गाड़ी जो कि हम देख रहे हैं, अब थोड़ा पीछे जाओ, सही से दिखाओ गाड़ी कितनी। देख रहे हैं, वैसे आप पता है मेरी गाड़ी में बैठा हुआ लग रहा है कैसा? बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये वाला ना बहुत मस्त लग रही है, ज़बरदस्त लग रही है। इसका एसी भी अच्छे चल रहे हैं, टच पैनल भी है और है भी आठ और साढ़े छः सौ सी सी। साढ़े छः सौ सी सी तो ये है कि भाई मैं इसको आराम से चला सकता हूँ। और इसके जो ना क्या बोलते हैं भाई, एसी की थ्रो भी अच्छी है यार, ज़बरदस्त है। और पीछे का स्पेस भी बहुत अच्छा खासा है इसका माशाल्लाह से ना। और पीछे डिग्गी भी, गाड़ी तो खुली है, गाड़ी खुली भी है और अच्छी भी है। और अभी हम देखते हैं कि भाई इसमें से बंद क्यों कर दिया। चलो अभी फिर बात बात करते हैं भाई इसके रेट वेट की ना, बोलेंगे कब से बैठ गया इसके अंदर। ये दूसरी गाड़ी है, वो नहीं है, एक वो नहीं है। तो अभी हम लोग घर पे वापस, घर की तरफ वापसी आ चुके हैं और थक मतलब बहुत सफ़र किया भाई बाइक ने भी आराम से। फिर सफर ज़्यादा नहीं था, वापसी पे आते साथ हमने चाय मंगाई है। और डीडी भाई इधर बैठा, डीडी भाई ने अपनी लिस्टिंग मंगाई है क्योंकि उसको एनर्जी की कमी थी। तो खैर हम चाय पीते हैं फिर आप। तो अभी मैं घर पे आया हूँ, हमजा को बुलाया था कि भाई केन लेकर आओ, और केन लेकर आया। तो हमजा कैसे हो? ठीक। सलाम तो करो। सुबह करा था। नहीं क्या था, आज मैंने वीडियो नहीं बनाई तुम्हारी बोल। आज कहाँ गए थे तोते बन के? जू। कौन से जू? कौन से जू गए थे? जो जू होते उस वाले जू में जाते। उसके अंदर क्या था ऐसा? ऐसा हाँ, तीन शेर थे। तीन शेर थे, दो बंदर थे। मीर को लेके जाते उनको मारता तो सही मीर। अरे यार किसी काम के नहीं हो आप लोग। चलो सही है भैया, अभी हम लोग जाते हैं पानी भरते हैं। केन आ गई है कराची, आ गए तो फिर हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती है पानी वानी भरने की। कैसे हमजा, क्या कहे? हाँ इसको क्या पता भैया, तो फ्री में पीता रहते हैं। फिर पानी भी भर लिया और दूध भी ले लिया। बाकी हमजा गए इधर सामने चीज़ लेने, चीज़ लेकर आएगा, फिर हम लोग ऊपर चलते हैं और आपको मिलाते हैं मीर से। भाई साहब सर भैया जल्दी आओ, देखो दरवाज़ा खुला हुआ है, जल्दी देख खुला हुआ है, खोलो मैं केन लेकर आ रहा हूँ। और गाइस अभी मिलिए मीर साहब से। ओ भाई साहब, मीर ये क्या है? मीर ये क्या, चॉकलेट खा रहे हो? अरे भाई साहब मां, ऊपर देखो, ऊपर देखो। मीर भाई हम जमीर यार साहब, मैं खा लूँ मीर, मीर ये मैं खा लूँ। ये देखो चॉकलेट का दीवाना है मीर। हम यमी है मीर, मीर यमी है।
खा जाओ खा जाओ खा जाओ, बस बस बस, अभी वो तो पहली वाली तो फिनिश कर भाई। देख रहे हो गाइस, इसकी खुशी चॉकलेट में है। और ये इस पैसे खाने भी खा लेते हैं, आप इसको बिरयानी दो, बिरयानी भी खाते हैं और नूडल्स भी खाते हैं, कुछ भी हो स्पाइसी स्पाइसी भी खा लेते हैं, मीठा भी खा लेते हैं, लेकिन ये नहीं खाता, ये सिर्फ मीठा ही खाता रहता है। कैसे अब जो इतनी सारी चीज़ें लेकर, चल जा धूल सब में बांट दे, अब ये ले, अब तू मेरा, आप ये खाओ। तो अभी अभी हमजा को मैं ऊपर लेकर, मैं इसने इसको बोला कि मीर आपसे जो ना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो ना पैसे लेता नहीं है कुछ भी। ओ एक मिनट, फ़ोन आ गया। और हमजा ने जो मुझे जवाब दिया ना, वो आप सुन के हैरान रहेंगे। हाँ भाई, क्या बोले तुम? मुझे तो यार बच्चे बहुत तेज हो गए। मैंने उसको बोला कि भाई मीर ना पैसे लेता है ना कुछ, मुझे बोलता है कि हाँ तो मैं सिर्फ पैसे लेता हूँ, चीज़ ही खाता हूँ, और मैं मार भी खाता हूँ। मीर तो बोलते हैं उसका डेली का दूध लेते हो, पैंपर लेते हो, उसके लिए ये लेते हो, वो लेते हो, उसके सारे खर्चे गिनवा रहा था। बोलते हैं मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ 10-20-30 रुपए की चीज़ खाता हूँ। कितने शैतान बच्चे हो गए यार, आगे से जवाब देने लग गए, सब दिमाग में रखते हैं कि क्या होने क्या नहीं। तो यार अभी मैं आ गया हूँ डेडी भाई को लेकर टेक्सास चिकन पर, क्योंकि आज जो ना फातिमा भाभी हमें दे रही है पार्टी, और भाई डीडी भाई और ये मतलब हमें दे रहे हैं पार्टी, इनकी तरफ से आज जो ना सेलिब्रेशन होगी, मतलब खाना पीना इनकी तरफ से, तो इनकी तरफ से पार्टी है। अभी अंदर चलते हैं और चल के टेक्सास लेके आते हैं। तो यार अभी हम लोग टेक्सास चिकन पे अंदर रहते हैं, मैंने ऑर्डर कर लिए, और यहाँ पर मैच चल रहा है किसका, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, और साउथ अफ्रीका जीत जाएगा। डीडी भाई जो ना अभी अपनी बातें वातें कर रहे हैं, और आज खाली खाली है फिलहाल तो, लेकिन रात के टाइम यहाँ पर अच्छा था, म्यूज़िक भी लगा हुआ है, लेकिन बहुत प्यारी जगह पर ये हमारे। तो खैर मैच वैच देखते हुए अभी घर चलते हैं। ऑर्डर हमारा रेडी हो चुका है, डीडी भाई बाहर भाग गया था, भाई मैं कहाँ से खा सकता हूँ इतना सारा। रेडी? तो हाँ भाई रेडी है, चल अंदर चल। ये दोनों तुम उठा लो, मैं जिन्हें वो सॉस उठा लूँगा। और गाइज यहाँ पर एक घर की लाइटिंग देखें कितनी ज़बरदस्त हुई है ना, शादी है मेरे घर से, शादी है, अभी जिसकी भी शादी उसको मुबारक है उसकी शादी, और बाकी घर फीके लग रहे हैं। चलो अभी घर की तरफ ही चल रहे हैं हम लोग। दादा कैसी हो भाई, कहाँ हो, दिखाई नहीं देते भाई। अरे भाई यार तो बहुत प्यारी बनी हुई है, लगता है मेकअप वेकअप किया है। हाँ कुछ तो किया है। अरे भाई कुछ तो किया है, पढ़ाई की थी आज क्यों? मुझे तो स्कूल में बताते हैं। नहीं जी, आवाज़ बंद करो जी, आप बताओ। मैंने हाँ चाहते हैं। अरे सही है भाई, सही है। वो मीर गर्म होगी। अच्छा लो लो खाओ खाओ, लेकिन गर्म तो बहुत होगा यार। मीर को ना आजकल मिर्ची वाली कोई भी चीज़ दो आप, ये खा जाता है, इसको अच्छी लगती है। हमजा नहीं खाता ये, इसको आप कुछ भी दो ये मिर्ची वाली चीज़ें खाते हैं, इसको बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है। तो पानी तले में क्यों मांग लाता? हाँ मुझे प्यास लगी थी। प्यास लगी थी, सही है भाई। देखा मीर, उसको प्यास लगी थी, प्यास। चले जी, तो आज के व्लॉग हम ये एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और रूटीन थी आपके सामने थी, आज बस एक दो गाड़ियाँ देखने गए थे, और आज सुबह हम लोग जाएंगे कार जो समझ आएंगे फाइनल, वो देखने जाएंगे, देखने क्या उसका डन करने के लिए जाएंगे। भाई एक छोटी सी कार देखी है मैंने, मैंने बोला क्योंकि ज़्यादा बजट में लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तो मुझे आती भी नहीं, तो सीखता भी रहूँगा और क्या बोलते हैं गाड़ी भी हो जाएगी, तो यही सीन है। तो वो सस्ती होगी ना, तो फिर उसको भले हम रोड पर भी खड़ा कर देंगे, तो उसको जो ना क्या बोलते हैं भाई साहब, आपको टेंशन नहीं होती, कहीं पर भी खड़ी हो तो मतलब बिल्कुल सस्ती सी, मतलब दो बाइक लो तो आप एक गाड़ी ले लो, मैंने ऐसी एक ढूंढी है, तो सही है भाई। छोटी सी चाहिए थी मुझे, मैंने कोई बड़ी शशके वशके वाला सीन करना नहीं था। तो आज सुबह जाएंगे, फिर मुझे लगता है कि या तो 2-4 दिन में या तो 10-12 दिन के बाद ही मिलेगी, लेकिन सुबह जाके डन करके आना पड़ेगा। तो सुबह जाएंगे तकरीबन 8:00 मगरिब के टाइम पर। तो दुआ कीजिएगा जो भी हो, अच्छा हो, जो नसीबें होगी अच्छी होगी, बाकी जो रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे। आज का व्लॉग जो था आपके सामने था, बाकी थोड़ी देर पर टिक नहीं तो ज़्यादा खुल के व्लॉग बनाए नहीं है यार, एक तो यहाँ पे आए ना मेरी आंखों में फिर से इन्फेक्शन होने शुरू हो गया, इसमें और इसमें मेरी वाइफ के भी, और जैसे पहले ज़्यादा नहीं मेरा ख़ारिश हो रही है ऐसे ऐसे, तो पहले जैसे लाल हो गई थी वो नहीं हुई, लेकिन ख़ारिश हो रही है इस बार। तो खैर जो भी है अच्छा है, और अपनी एडीडी भाई अपनी को निशान लिया,
तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।